तो जी जय श्री राम कैसे हैं आप सब और एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है तो वीडियो स्टार्ट हो रहा है हमारा लिपाई का काम था ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है नीचे का बाकी है अभी लेकिन इधर का जो एरिया है ना उसका हो चुका है तो ऊपर जैसे अब आप सभी को पता है फेस्टिव सीज़न चल रहा है त्यौहार आने वाले हैं तो हम लोगों ने सोचा है पहले ये वाला एरिया है ना इसको कम्प्लीट करवा लेते हैं ताकि ऊपर ज़्यादा गंदगी ना फैले और बाकी जो काम है ना वो सुचारू रूप से हो सके और गेट वगैरह जैसे लगने हैं मंदिर का गेट है बाथरूम का गेट है और हॉल वगैरह के जो गेट हैं वो लगने हैं तो उससे पहले टाइल लगने का काम जरूरी था तो हमने सोचा ऊपर वाला एरिया है ना उसको हम कंप्लीट पहले करवाएंगे बाद में नीचे के एरिए को करवाएँगे तो बस इसीलिए लिए अब एक दो दिन में जो ऊपर का छोटा मोटा काम और बचा हुआ है अभी वो कंप्लीट होने के बाद में टाइल चाहिएगी परसों से शायद तक तो फिर हम लोग टाइल लेने के लिए आ चुके थे और टाइल वैसे मैंने आप लोगों को मेरा जो व्लॉग आया था ना ये तो चाहे शर्मा जी के चैनल पर आएगा इन्हीं के जो ऑडियंस हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं को देखते हैं तो उन लोगों को अपडेट देने के लिए मैंने सोचा ये वाला वीडियो मैं अपलोड करूँ तो बस वो जो है ना मैंने बताया था कि टाइल हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली थी लेकिन इसमें मैं प्रॉपर वे में अच्छे से तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ आज हम लोग आ चुके हैं टाइल लेने के लिए अब टाइल का काम शुरू हो जाएगा तो ये सैंपल दिखाए थे भैया ने हम लोगों ने बोला था ब्राइट कलर देना है तो ब्राइट कलर ही मेरी भी और शर्मा जी की चॉइस है तो बस एक तो ये जो आती है ना जिसमें ज़्यादा साइन होती है वो वाली टाइल हमने नहीं ली जैसे कि सामने लगी हुई दो वो दो बाई चार बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो वाली टाइल हमने नहीं ली और कुछ ये जो सामने लगी हुई ना मिस्त्री जी के पीछे इसमें भी चमक ज़्यादा होती है ये वाली भी नहीं ली क्योंकि इसमें कहते हैं कि वो फिसलने का ज़्यादा डर रहता है तो हमने थोड़ी सी रफ जो होती है ना जिसमें फिसलने का डर नहीं होता वो वाली टाइल ली है कलर आप लोगों के सामने अभी रखे थे ये जो भैया दुकान वाले इन्होंने उनमें से हमने सेलेक्ट किया है तो वो आप लोग वीडियो में आगे देखेंगे इसी वीडियो में देख लेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट घर की टाइल ले ली हैं और पहले मैं आपको बता दूँ कितने की आई हैं तो तीस हज़ार की हमारी टाइल पड़ी हैं और जिसमें घर के ऊपर वाला सारा एरिया कंप्लीट हो जाएगा जो बाहर खुला रहेगा वो भी और बंद रहेगा वो भी और उसके साथ में जो छत है ना जिसे हॉल की हो गई बाथरूम जो नया बना उसकी हो गई किचन पे हमने पहले डलवा दी थी और मंदिर की हो गई तो छत पे जो टाइल लगनी है वो भी हमारी इसी में आ गई है तीस हज़ार में ही तो तीस हजार में सारी टाइल्स हमारी आ चुकी हैं अब मैं आप लोगों को बाथरूम की जो टाइल लेनी है ना उसके लिए नीचे लेकर चलती हूँ तो नीचे पहले तो हम लोग मैं और शर्मा जी सिलेक्ट कर गए थे लेकिन अभी आप देखोगे बच्चों ने क्या सिलेक्ट किया हमने सोचा था बच्चों की पसंद की लगवाएंगे मैंने उस वीडियो में भी बताया था तो अब बच्चे जो सिलेक्ट करते हैं वो आप देखना एक बार नहीं। 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 <laughs> तो जी आपने देखा अभी नैनी और सिवास ने वो वाली टाइल पसंद किया और हम लोगों ने इनको बताया नहीं था नहीं इन्होंने वीडियो देखे क्योंकि वीडियो देखने का टाइम ही नहीं होता बच्चे बोर होते हैं खुद के वीडियो देख करके तो कभी नहीं देखते ये हमारे वीडियो तो इन्होंने वही टाइल पसंद किए जो हमने की थी और यहाँ पर बहुत सारे सैंपल दिए हुए थे जैसे ये वाली टाइल पसंद किए हैं ये सामने आपको दिख रही है ना हाँ ये वाली तो नैनी ने अभी आप लोगों को बताया भी है वॉइस में इसकी में लेकिन मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि काफ़ी साउंड आ रहा था इधर उधर से यहाँ पर सैंपल काफ़ी लगे हुए थे लेकिन इनको पता नहीं बच्चों की पसंद की ही लगवानी थी ये कह रहा था नहीं मैं कह रही थी कि एकदम लाइट कलर हम लेंगे बाथरूम में भी लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं ये वाला बाथरूम पूरा बच्चों की चॉइस से होगा क्योंकि इन फ्यूचर हमें अपने बच्चों के लिए कुछ अलग से प्लान कर रखा है वही करेंगे ये बाथरूम इसीलिए इतना बड़ा करवाया है कि बच्चों के लिए रहे स्पेशल नैनी और सिवानसी हैं आगे आने वाले पंद्रह बीस साल के लिए तो अच्छे से इसमें आराम से अपना टाइम स्पेंड करें बाथरूम में नहाना धोना इन्हीं को है अच्छे से तो इनके लिए जो भाई पसंद की है, ना की, वो है ये तो ये हमारी है और अभी और क्या हुआ ये आते ही टैलों को छेड़ना शुरू कर दिया इसने तो और फिर बताऊ क्या हुआ ये इधर आया इसने इस पे उंगली रख दी मैंने बोल दिया ये ले लो की पसंद तब मेरे पास आइए मेरे कान में यूँ है, तेरे को ये पसंद आई ना तितली वाली ये पसंद आई ना नहीं ये ले लेते हैं पसंद वाली तो जी आप लोगों ने वॉशरूम की टाइल जो है वो भी देख ली हैं अब जो छत पर डलने वाली है ना सबसे ऊपर वाली वो जो है वो है रफ़ टाइल्स जैसे कि जो टुकड़े में आती है ना वो तो उनके भी टुकड़ों के भी टुकड़े करके डलवाएंगे क्योंकि मिस्त्री जी और ये भैया खुद कह रहे थे कि अगर ऐसी टाइल डलवाते हैं तो पानी आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं कहते हैं ना पानी छत रिसती है बहुत सी जगह पर तो वो छत रिसने के चांस नहीं हो जाए नहीं होएंगे और एक ये भी होता है कि साथ साथ अगर टाइल लगवा दी जाए ना तो छत नहीं रिसती मतलब थोड़ा लेट करते हैं ना तो छत ज़्यादा रिश्ती है हम लोग अभी ना डलवा के अगर साल भर बाद डलवाते तो तो सारी टाइल घर लेकर आ चुके थे अब करना था इनको अनलोड मतलब लोड नहीं नीचे उतारना था अब मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बस मैंने बोल दिया आप लोगों को कि हमें बस ये गाड़ी में से निकालनी थी गाड़ी वाले भैया भी जाएंगे ये सोच करके हम सब ने ही सोचा कि फटाफट फटाफट सब लोग लगेंगे ना तो जल्दी उतर जाएंगे तो मैंने भी इन सब की हेल्प करवाई इसमें अच्छा लगता है अपने घर का खुद काम जो होता है ना उसको खुद से करना और यही मैं कल का जो वीडियो मेरा गया मतलब आज जो मेरा व्लॉग आया है ना मेरे चैनल पर उसमें मैं कह रही थी कि खुद के घर में अगर थोड़ा थोड़ा हम खुद करते हैं ना तो पैसे की काफ़ी बचत हो जाती है काम भी जल्दी होता है और हमारी देख रेख में होता है तो सामान भी वेस्ट नहीं होता नहीं तो सामान वेस्ट बहुत हो जाता है और बच्चों को लग गई थी भूख घर आते ही मैंने सबके लिए चाय चढ़ा रखी थी आते ही मैंने चढ़ा दी थी फिर हम लोग वो सामान उतारने लगे तो इतनी देर में सामान उतरा इतनी देर में स्लो फ्लेम पर चाय बनकर तैयार हो गई तो फिर मैं बीच में आ गई थी चाय छानने के लिए अभी थोड़ी सी टाइल बची हुई है वो हम उतारेंगे लेकिन बीच में मैंने चाय बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि सब लोग चाय पी लेंगे ना बीच में एक ब्रेक सा हो जाएगा थोड़ा सा सबको सुकून मिलेगा तो यहाँ पे मैंने सिवांश को घी के साथ रोटी दे दी है क्योंकि आज सुबह बनी थी चटनी हमने सब्जी नहीं बनाई थी क्योंकि कभी कभी चटनी मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है छाय दही के साथ में तो अभी ये कह रहा था रोटी खानी है तो मैंने इसको घी के साथ ही दे दी मैंने कहा चल तू घी के साथ खा ले क्योंकि इसको ये घी भी के पसंद है और आज हमने घी मंगवाया ये मिस्त्री साहब जो है ना इनके घर में भैंस रखते हैं ये लोग और हमारे यहाँ पर भैंस आप लोग रेट पूछोगे तो मैं पहले ही बता दूँ भैंस का घी फिलहाल नौ सौ रुपये चल रहा है तो ये देखो टाइल सारी उतर चुकी है और काफ़ी यार ब, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को बहुत दूर में ये टाइल आई हैं टाइल का सामान हमने इस रूम में रखा है जैसे लगाने के जो काम आएगा और टाइल वगैरह हमने छत पे रखी है दो तीन जगह में क्योंकि एक जगह पर रखते ना तो फिर उठाने में दिक्कत होती लगती जाएंगी बाथरूम की हमने सबसे आगे रख दी बाथरूम की लगते ही बाकी छत की चेंगी वो हमने हॉल में रखी हैं जैसे इधर के एरिए में तो चलो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट ये जो फ्लोर से संबंधित जितना भी हमारा था वो मैंने बता दिया है और तीस हज़ार में लगाने का सामान भी आ चुका है जैसे वो होता है ना ग्रेनाइट ग्रा ग्राउट बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको चिपकाने के लिए कुछ होता है टाइल में बीच में तो वो सब भी इसमें आ चुका है तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में बाय एंड टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाय